नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज से हम आपके अपने चैनल स्मार्ट बट क्लेवर में एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। आज के इस वीडियो में हम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में क्या चीज है और इसका मतलब क्या है। आज की इस वीडियो में हम इस वीडियो सीरीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम इस सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। सो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत सारी होगी है, बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी बड़े आराम से बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो सीरीज का नाम क्या है, डिजाइंड एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। क्या नाम है दोस्तों, डिजाइंड एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब हम इन सब का मीनिंग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज का मतलब क्या है, मतलब डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम से हम क्या समझते हैं। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सो सबसे लास्ट में टर्म है यहाँ पे आप देख सकते हो एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है दोस्तों, एल्गोरिथम मतलब होता है, एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब एक सीक्वेंस है जिससे मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम है, घर में चाय बनानी है। चाय कैसे बनाएंगे, हम टी लीव्स लेंगे, थोड़ी सी चाय पत्ती लेंगे, अदरक लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा चीनी ले लेंगे, फिर उसे पानी में डाल के मिक्स करेंगे। आफ्टर दैट वी विल पोर सम मिल्क एंड आपकी चाय बन जाएगी। आपने चाय कैसे बनाई, आपने कुछ सीक्वेंस फॉलो करे हैं, कुछ स्टेप फॉलो किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एडेड टी लीव्स, शुगर, देन वाटर, देन मिल्क, यू हैव देन हीटेड इट। मीन्स आपने कुछ ना कुछ स्टेप फॉलो करे हैं अपनी टी बनाने के लिए। सो इसका रिलेशन कैसे होगा कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। हमारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आएगी, जैसे सॉर्टिंग प्रॉब्लम आ गई, या किसी भी फील्ड में कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम आ सकती है। सो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अप्रोच डेवलप होंगे। मान लो दोस्तों एक सिंगल प्रॉब्लम है, अब एक प्रॉब्लम आ गई, वैसे तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लेकिन हम एक सिंगल प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे। सो इस सिंगल प्रॉब्लम के बहुत सारे आउटकम डेवलप होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप होंगे, लॉजिक डेवलप होंगे, जो क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब एक प्रॉब्लम है लेकिन जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। सो वो हमारे सारे सॉल्यूशन सही होंगे, हो सकता है सारे सॉल्यूशन परफेक्टली वर्क करेंगे, लेकिन हम उसमें से बेस्ट वाला कैसे फाइंड करेंगे, विच वन इज बेस्ट। सो उसका हमें कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। सो आया आपको समझ में, व्हाट इज एल्गोरिथम, एंड एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, एनालिसिस का अगर आप मतलब देखोगे, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब टू एग्जामिन समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग। अब हम क्या एग्जामिन करेंगे, किस चीज का विश्लेषण करेंगे, हम एल्गोरिथम का विश्लेषण करेंगे। किसका विश्लेषण करेंगे, एल्गोरिथम का विश्लेषण करेंगे। सो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करना चाहेंगे, सो कैसे कनेक्ट करेंगे, द एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम, और वी कैन से दैट एन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए भी लिख देता हूं, द एनालिसिस इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, ऑफ एस्टिमेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम, efficiency of the algorithm। अब ये point clear हुआ आपको। अब दोस्तों देखो, हम यहाँ पे algorithm generate कर रहे हैं, हम analysis किस चीज के basis पर करेंगे, हम analysis किस चीज का करेंगे। सो हम एनालिसिस करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, कितनी स्पेस मेरा प्रोग्राम कंज्यूम कर रहा है। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे कि कितना टाइम मेरा सॉल्यूशन ले रहा है डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए। हम नेटवर्क कंजम्पशन का एनालिसिस कर सकते हैं, हम पावर कंजम्पशन का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, या फिर हम अमाउंट ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स, कितना मेरा प्रोग्राम कंज्यूम कर रहा है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सो उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं अपने एल्गोरिथम का। अब आगे देखते हैं दोस्तों डिजाइन। डिजाइन का मतलब क्या होता है, आप सोचो डिजाइन मतलब तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। डिजाइन मतलब क्या होता है, हाउ वी प्लान समथिंग, मतलब हम किसी चीज को कैसे प्लान करेंगे और क्या कह सकते हैं डिजाइन को।
डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ हाउ वी मेक समथिंग, क्या होती है एक प्रोसेस या फिर हमारी स्किल्स होती है जिस चीज की मदद से हम किसी चीज को डेवलप करेंगे। सो अब आया आपको समझ में। सो ये क्या हुआ, ये आप इसे कह सकते हो एक प्लान, और आप बोल सकते हो प्रोसेस एंड स्किल ऑफ डेवलपिंग समथिंग, प्रोसेस एंड स्किल ऑफ मेकिंग समथिंग। अब हम इसे आपस में कनेक्ट करते हैं, ये तो ठीक है, आप देख सकते हो ये एंड से कनेक्टेड है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। हमें क्या करना है, एक प्लान या फिर एक प्रोसेस फॉलो करना है और उसका एनालिसिस करना है, उससे हम क्या बनाएंगे, अपना एक एल्गोरिथम बनाएंगे। सो आपको अप्रोच क्लियर हुआ, एल्गोरिथम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप जिससे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो हमने सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करी, मतलब जो हमने एल्गोरिथम जनरेट किया उसका हम करेंगे एनालिसिस। सो आपको थोड़ा आइडिया आया सब्जेक्ट का कि इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है और हम क्या क्या फॉलो करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो अब क्या करते हैं, अब एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में देख लेते हैं। सो दोस्तों देखो, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब देखो दोस्तों, एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब एल्गोरिथम क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था कि चाय कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल मेक अ कप ऑफ टी। अब अगला पॉइंट देखो, एन एल्गोरिथम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर, एल्गोरिथम क्या है, एक वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है। अब क्या करेंगे इस कंप्यूटेशनल प्रोसेस से, दैट टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट, ये क्या करेगा, कुछ वैल्यू लेगा या सेट ऑफ वैल्यूज लेगा इनपुट में, एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यूज और अ सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट। आया आपको समझ में, क्या पॉइंट है दोस्तों, देखो एक एल्गोरिथम क्या होता है, एक एल्गोरिथम एक ऐसा वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसेसर होता है जो कि कुछ वैल्यू एज इनपुट लेगा और उसे कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊंगा, तो अगर ये एल्गोरिथम है, सो एल्गोरिथम क्या करेगा, कुछ वैल्यूज लेगा एज इनपुट और ये क्या जनरेट करेगा, ये एक आउटपुट जनरेट करेगा, इट विल जनरेट एन आउटपुट। आपको समझ में, अब अगला पॉइंट क्या है, एन एल्गोरिथम इज थस अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट टू द आउटपुट। सो क्या कह सकते हैं दोस्तों से, एक एल्गोरिथम ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसा कंप्यूटेशनल प्रोसेसर है जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो वो क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, मेरे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, अगर मतलब मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देगा। सो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सो देखो, सो फ्रेंड्स देखो, एन एल्गोरिथम इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट वे। सो एक एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है, एक सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आया आपको समझ में, एंड एल्गोरिथम इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन अ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट मैनर। सो क्या है, एफिशिएंट मैनर है ना, सो एन एल्गोरिथम इज एन एफिशिएंट मेथड दैट कैन बी एक्सप्रेस विद इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, मतलब एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में मेरा एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होना चाहिए और एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पेस ही उसे कंज्यूम करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, एंड एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इशारा करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, मेरा एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए, मेरा एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक एल्गोरिथम बना दिया स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का, वो सी में चलेगा, जावा में नहीं चलेगा, पाइथन में चलेगा तो सी प्लस प्लस में नहीं चलेगा, मीन्स इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वट इज द पॉइंट अगेन दोस्तों, अगर आपने मिस कर दिया, एन एल्गोरिथम शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे पॉइंट समझ में, वी हैव टू डिजाइन डिफरेंट types of algorithm to solve different types of problems in the branch of computer science. So, हम अपनी video series में क्या करेंगे, different type of algorithm design करना सीखेंगे और different different problems solve करेंगे जो भी हमारी computer science की field में आएगी। So, दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये video पसंद आई होगी, अगर आपको video पसंद आई है तो please video को like करो और channel को subscribe करो। अब आने वाले कुछ दिनों में हम इस video series से रिलेटेड और कुछ वीडियो लेके आएंगे और हम पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो सीरीज स्टडी करेंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो का समझ आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड।